आज हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इससे पहले हमने डिग्री रेडियन और फंक्शन के बारे में पढ़ा है। इससे पहले कि आइडेंटिटी स्टार्ट करें, हमने 10th क्लास में एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी। उसके तीन फॉर्मूले बेसिक थे, जिसमें हमने बेसिक फार्मूला क्या था, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला तो मेरा मेन ये था, सेकंड क्या था, सेकंड फार्मूला क्या बनेगा अगर मैं इसको सभी से साइन स्क्वेयर से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड ऑल 1 बाई साइन स्क्वेयर एक्स, तो से डिवाइड कर दो तो ये क्या बनेगा सेकंड फार्मूला मेरा, कि साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर एक्स क्या बनता, टेन स्क्वेयर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स क्या बनेगा, कोस एक्स स्क्वेयर, सॉरी गलत बता दिया मैंने, ये कोस अपॉन साइन होता कोट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर, मतलब कि कोस एक्स स्क्वेयर एक्स। सेकंड फार्मूला हमने आइडेंटिटी 10th क्लास में ये पढ़ा था, और थर्ड फार्मूला क्या पढ़ा था, अब इसकी बजाय मैं इसको 1 बाई कोस स्क्वेयर से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा, थर्ड साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर क्या बनेगा, टेन स्क्वेयर एक्स, कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर डिवाइड प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वेयर क्या हो जाता है, सेक स्क्वेयर एक्स। यह तीन फॉर्मूले बेसिक आइडेंटिटी में हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अब जो पढ़ेंगे वो इसके अलावा होगा, इसमें तो सेम एंगल था, लेकिन अब 11th में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट एंगल का सम या फिर डिफरेंस चेक करना है। तो हमने क्या पढ़ना है इस क्लास में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सॉरी आइडेंटिटी, फंक्शन तो पढ़ चुके, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स ये पढ़ेंगे। मेरा बेसिक क्या, बेसिक कौन कौन से फार्मूले मेरे पास, साइन आइडेंटिटी मतलब बेसिक आइडेंटिटी या फिर कोस, इस पे बेस पढ़ेंगे। तो साइन और कोस को हम बेसिक मानते ज़्यादातर, या फिर टेन को भी बेसिक मान लेते हैं, टेन को बेसिक मान लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला आपका क्या बनेगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोस एक्स प्लस वाई, इस टाइप के फार्मूले को याद करने के क्या होगा, कोस है ठीक है, तो कोस प्लस में है तो डबलेट आएंगे दोनों में, ठीक है, मतलब एक साइड कोस का डबलेट होगा, एक साइड साइन का डबलेट होगा। तो पहले तो कोस एक्स कोस वाई माइनस, यहाँ प्लस है तो यह माइनस आ जाएगा, या माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या बनेगा इससे, कोस का ही, कोस एक्स माइनस वाई, डबल एट यूज करो, पहले कोस कोस एक्स कोस वाई, यहाँ माइनस तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का, तो साइन एक्स
साइन वाई। नेक्स्ट अब कोस का हो गए, साइन का चेक करते हैं। नंबर थ्री साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, आपकी बार डुप्लीटने लगेंगे, चेंज हो जाएंगे रेशियो, तो साइन एक्स कोस वाई प्लस, इसमें साइन चेंज, साइन सेम रहेगा और कोस एक्स साइन वाई। नेक्स्ट नंबर फोर साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये मेन फॉर्मूले थे, इन्हीं पे बेस कुछ नए फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं उनको। टेन का और लिखो तो टेन का और लिख लो, फाइव टेन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड बाई वन। अब यहाँ पर साइन अलग हो जाएगा, वो माइनस टेन एक्स इन दोनों के प्रोडक्ट, ठीक है, और टेन एक्स माइनस वाई इसी में देख लो, चलो कोई बात नहीं, चलो टेन एक्स माइनस वाई रह गया था ना मेरा, पाँच हो गए थे ना, छः, टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस वाई क्या होता है कि टेन एक्स उसमें ऊपर प्लस था, अब की बार माइनस आ जाएगा, टेन वाई डिवाइड बाई नीचे प्लस माइनस था इसमें प्लस आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट दोनों के। ये मेरे कुछ छह फॉर्मूले बेसिक कॉन्सेप्ट से बने हैं, लेकिन जो फर्स्ट चार थे मेरे वो बहुत ज़्यादा यूज होंगे इनको फॉर्मूले बनाने में, आपको याद रखने की में मदद मिलेगी उनसे। नेक्स्ट ट्राई करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मैं एक्स और वाई की जगह मैं सिर्फ एक्स रखूँ इनको, पहले कोट का ले लेते हैं, तो कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो सेवन, कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स प्लस वाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोट एक्स कोट वाई माइनस वन डिवाइड बाय दोनों का प्लस। नंबर एट कोट एक्स माइनस वाई, साइन चेंज हो जाएंगे इस साइड भी, तो कोट एक्स कोट एक्स कोट वाई प्लस वन डिवाइड बाय कोट वाई माइनस कोट एक्स, ये कोट के हो गए। चलो अब उनसे और फार्मूले बनाते हैं, पहला मैं मेरा कोस एक्स प्लस वाई था, मैंने वाई की जगह एक्स पुट किया, तो इसका मतलब क्या बनेगा, कोस कितना हो गए थे, ये नाइन्थ फार्मूला, कोस मतलब एक्स प्लस एक्स लिख लेता हूँ तो टू एक्स हो जाएंगे, तो फार्मूला क्या था वो मेरा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर
एक्स, इससे फार्मूले चेंज होंगे आपको आपके, अगर इसकी जगह कोस की जगह मैं वन माइनस साइन स्क्वेयर रखता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो इससे क्या फॉर्मेट बन गया, तो वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, कोस टू एक्स का। नेक्स्ट इसे एक और फार्मूला कन्वर्ट कर देते हैं, अब की बार मैंने कोस की जगह चेंज किया ना, अब की बार साइन की जगह चेंज होंगे, साइन की जगह कोस को चेंज कर देते हैं, तो क्या बनेगा, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस वन प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, क्योंकि बाहर माइनस का तो अंदर प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या फार्मूला बनेगा, टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू कोस टू एक्स। नाइन टेन इलेवन, इससे एक फार्मूला बनता कि इसको टेन में कन्वर्ट कर देते हैं, टेन में कैसे, क्योंकि ऊपर देखो इसको नीचे वन है ना, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा नीचे, तो कोस को कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस को कॉमन लिया, ठीक है कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड, तो कोस स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो कोस स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोस से कोस कैंसिल, तो इसका मतलब क्या बचा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी फार्मूला किसका, मेरा कोस टू एक्स का, मतलब यहाँ से कितने फार्मूले बने, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इससे तीन फार्मूले बने, चार, नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन, थर्टीन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो कोस का था, अब साइन का ले, साइन एक्स प्लस वाई की जगह साइन टू एक्स का ले लेता हूँ, थर्टीन साइन टू एक्स, तो साइन एक्स कोस वाई, ठीक है, तो इसका मतलब साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये टू साइन एक्स कोस एक्स, ये बनेगा एज इट इज, अगर टेन में कन्वर्ट करना तो इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, चलो करते, तो टू साइन टू साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो यह नीचे टेन कोस एक्स रह जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा, टू टेन एक्स, और नीचे से कॉमन लेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो कोस से कोस कैंसिल, तो क्या बनेगा, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स,
ये नेक्स्ट फॉर्मूला है 14th। इसके अलावा ठीक है, तो इस साइन 2x से सिर्फ दो ही फॉर्मूले निकल गए। नेक्स्ट साइन का हो गया, कोस का हो गया, अब टेन का, 14th 15th, टेन फिफ्टीन क्या कहेगा कि अब मैंने एक्स वाई वाई को कन्वर्ट किया था एक्स में, तो टेन टू एक्स हो जाएगा, टेन टू एक्स। तो एक्स प्लस वाई में क्या था, टेन एक्स प्लस वाई, मतलब ऊपर क्या होगा, टेन एक्स प्लस टेन एक्स, इसका मतलब कितना हो गया, टू टेन एक्स। नीचे क्या रह जाएगा, वन माइनस टेन एक्स टेन एक्स, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट 16 कोट का चेंज कर लेते हैं, कोट टू एक्स, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, वन माइनस सॉरी कोट स्क्वायर माइनस वन, नीचे टू कोट एक्स, ये टेन और कोट में चेंज हो गए। अब तक तो टू एक्स था, अब मैं थ्री एक्स लूँगा, कैसे कि कोस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब तक तो हमने दो एंगलों के बारे में पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा, तो तीसरे को कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो, तो ये कितना बच जाएगा, बन जाएगा कोस थ्री एक्स। तो इसका फार्मूला क्या होगा, कितने हो गए थे, 16 17, पता नहीं भाई नेक्स्ट कितने हो गए थे, चलो फिर भी कोई नहीं। तो कोस थ्री एक्स, तो क्या कहता है, कोस एक्स मतलब कोस टू एक्स, कोस एक्स, तो कोस टू एक्स का स्क्वायर और माइनस साइन टू एक्स साइन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कोस थ्री एक्स बन जाएगा फोर कोस की पावर थ्री एक्स, आठ कोस थ्री एक्स क्या बनाएगा, कोस फोर इंटू कोस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू कोस एक्स। अगर उसको मैं सोल्व करूँगा तो ये बनेगा, सभी को कोस में चेंज करेंगे तो। नेक्स्ट 19 नेक्स्ट हो जाएगा साइन थ्री एक्स तो साइन थ्री एक्स में इसको उल्टा हो जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। नेक्स्ट 20 टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री टेन एक्स माइनस टेन की पावर थ्री एक्स डिवाइड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोट का इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये तो आपके
सिंपल फॉर्मूले थे। अब करना प्रोडक्ट टू सम या फिर सम टू प्रोडक्ट। अब दो दो टाइप के और फॉर्मूले रह गए, कौन कौन से? प्रोडक्ट टू सम या फिर सम टू प्रोडक्ट। पहले इसको सोल्व करेंगे, तो 20 हो गए थे ना, 21, तो सम टू प्रोडक्ट। तो अब मैं अलग अलग एंगल ले लेता हूँ, कोस एक्स प्लस कोस वाई, तो ये क्या होगा कि टू ऑफ कोस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू, कोस एक्स माइनस डिवाइड बाई टू, ये होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इसका 22। अब यहाँ बीच में माइनस, कोस एक्स माइनस कोस वाई, इसमें क्या आ गया, माइनस टू कोस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू कोस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू। अगर इस टू से आगे वाले माइनस को हटाना तो लास्ट वाले को क्या चेंज कर देना, वाई माइनस एक्स, तो ये आगे वाला माइनस हट जाएगा इसकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट 23। अब ये तो कॉस के थे ना, साइन के चेक करते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई, टू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू कोस एक्स माइनस डिवाइड बाई टू। नेक्स्ट फॉर्मूला 24, साइन एक्स माइनस साइन वाई ट्वाइस ऑफ कोस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू साइन एक्स माइनस डिवाइड बाई टू। ये कैसे बने, ये लास्ट वाले टर्म देखना सिर्फ, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड, कि आपको फर्स्ट में क्या कोस एक्स प्लस कोस वाई है ना, जहाँ प्लस दिखाई दे रहा ना, आप फिर वो चार फार्मूले नोटिस करना, उसमें क्या है, उसका ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जहाँ पे प्लस दिखाई दिया उसके फर्स्ट टर्म लिया है, और जहाँ पे माइनस है उसका सेकंड टर्म लिया है। ये गलत हो गया भाई, यहाँ साइन सेकंड टर्म लेना था, साइन आएगा, तो रफ कर देते हैं इसको, और बाकी ठीक है। टू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू, और इसकी जगह हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो आगे का माइनस हट जाएगा। नेक्स्ट 24 हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूले ये तो था सम टू प्रोडक्ट, अब करेंगे प्रोडक्ट टू सम। दूसरा फॉर्मूला बताया था ना, प्रोडक्ट टू सम, तो इसके चार फॉर्मूले हो रहे हैं। तो मैंने पहले क्या कहा था, टू कोस एक्स कोस वाई कर लेता हूँ, 24, 25, टू कोस एक्स कोस वाई, तो ये क्या बनाएगा, कोस, अब उल्टा आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोस एक्स प्लस वाई
कोस एक्स माइनस वाई 26 माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। पीछे फार्मूले में इधर आके माइनस 2 आता ना, तो इधर आके माइनस, तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। कोस एक्स प्लस वाई माइनस 2 कोस एक्स माइनस वाई। सिर्फ क्या चेंज हुआ है वो चेक करना कि ये अब जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड साइड था, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड साइड बन गई। नेक्स्ट 27 टू साइन एक्स साइन एक्स कोस वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट 28 क्या बन जाएगा, ये 2 कोस एक्स साइन वाई, कुछ नहीं माइनस लग जाएगा बीच में, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये कुछ फॉर्मूले थे जो इस इंट्रोडक्शन में करवाए गए हैं, ये आप याद रखना और ट्राई करना इसको बेस्ट तरीके से समझने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।